हरियाणा में यात्रा चल रही है और हरियाणा के संदर्भ में मैं कहूंगा कि हरियाणा जिस प्रकार से 10 साल की त्रासदी झेल रहा, एक राजनीतिक माहौल जिस तरह का बना हुआ, उससे मुक्ति का रास्ता हम आपकी तरफ देखते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत ही मतलब बुरी पोजीशन है आम किसान और मजदूर की। जिस तरह से हुड्डा साहब के 10 साल के शासन में इन्होंने जातीय और वर्ग से मतलब ऊपर उठ के मानवता के नाते जिस तरह से सबको साथ ले गए चले थे, ये वो एक मिसाल थी अपने आप में। हम बार बार कहते हैं, राकेश जी ने अब भी 10 जगह कहा कि लैंड एक्विजिशन में जो भी कुछ हुआ वो आपकी देन, और वो जो बना उसका सत्यानाश कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना के स्टेट को दे दी पावर्स और स्टेट जैसा चाहे उसमें तमाशा कर रही हैं। ये आशा करेंगे कि दोबारा जैसे ही मौका मिले कांग्रेस को, उसको जैसा था वैसा रहे वो। MSP हमारी मुख्य मांग, और हमारा मनोबल इतना टूट गया कि हम अब लागत पे लाभकारी मूल्य की बात करना भूल गए हैं। हम कहते हैं जो तुम देते हो MSP, हम सहमत नहीं है CACP के फार्मूले से, लेकिन हमारी इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है कि हम उस CACP में जो सरकार तय करती है कम से कम उसकी तो गारंटी दे दी जाए। एक वो है कि सरकार सारी कमोडिटीज को सारा प्रोक्योर कर दे, दूसरा कुछ बीजेपी RSS वालों ने एक चलाया है कि बस और कुछ मत करो, एक कानून बना दो कि इससे नीचे प्रोक्योर करना इलीगल हो जाएगा। हमने किसान आंदोलन में बहुत चर्चा करके एक तीसरा वर्जन बनाया है जिसमें लीगल गारंटी का मतलब होगा आज जो प्रोक्योरमेंट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोक्योरमेंट। हिमाचल में अडानी का पूरा व्यापार वहां पर अडानी का, खास करके सेब का, और अभी सीमेंट प्लांट जो उसके हैं वे जैसे ही आपकी सरकार बनी कांग्रेस की उसने बंद कर दिए। प्रेस में हमने कहा कि ये भारत सरकार के कहने पर बंद करा है। आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ भी एक सेब का इशू आपके सामने आएगा। उनका 2000 करोड़ रुपए का नुकसान करा है भारत सरकार ने, उनके 18 दिन तक ट्रक रोक दिए क्योंकि अडानी का सेब यहाँ का बिकना था, उनके ट्रक रोक के, तो उनका पूरा 2000 करोड़ का नुकसान करा। हम वहाँ पर गए, मैं 3 दिन वहाँ पर रहा उनके बीच में। अगर वो वहाँ का किसान हमारा जो वैली है सेब की वो मर गया तो यहाँ पर 400-500 रुपये किलो सेब हमको हिंदुस्तान में भी लगा। हरियाणा की सरकार अब हरियाणा में एक स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है, 10 साल पुराने डीजल वाहन 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को हम स्क्रैप बना देंगे। जो किसान का ट्रैक्टर है वो हमारा 30-40 साल 50 साल पुराने ट्रैक्टर भी आज हमारे खेत में काम कर रहे हैं, तो वो हरियाणा से उन्होंने शुरुआत की है। तो एक तो ये बहुत गलत पॉलिसी है, ये किसी प्रकार भी किसान को बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे यहाँ हर साल खाद की कमी हो जाती है, किसान जो है 4 बजे जाके लाइन में लगता है, बूढ़े बच्चे सब लगे होते हैं और वो खाद के कट्टे के लिए ना झगड़े तक होते हैं। तो एक तो खाद की कमी का मुद्दा हर साल होता है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे इन्होंने अपने शासनकाल में 193 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया, 193, मेरे पास लिस्ट दे आपको मैं। और जो आदरणीय खट्टर साहब हैं जो कहते थे किसान के आमदन दुगुनी करेंगे, उन्होंने केवल 52% बढ़ाया है। इन्होंने 19 रुपये हर साल बढ़ाए हैं, उसने केवल 8 रुपये बढ़ाए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी और आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हो। देखिए, मैं इसको एक पार्टनरशिप मानता हूँ आपके और हमारे बीच में। कभी कभी थोड़ा फर्क होगा आप में हम में, मगर एक साथ काम करने की बहुत जगह है और जो डायरेक्शन है वो एक ही है। कभी कभी आपको कंपल्शन्स आ जाती हैं, कभी कभी हमें कंपल्शन्स आ जाती हैं, वो अलग बात है, मगर मैं इसको एक पार्टनरशिप जैसे देखता हूँ। जहाँ भी आपको लगे हमारी सरकारों में कहीं कमी है आप सीधा मुझे बता दिया करिए, ठीक है? आप मुझे इनपुट दे दिया करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उनको कमियों को ठीक करा जाए। और मेरा इंटरनल लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इंटरनल लक्ष्य ये है कि आज से 10-12 साल बाद किसान का बेटा कहे कि मैं खेती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज जो सब भाग रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं, 10 साल में किसान का बेटा कहे भैया ठीक है मुझे खेती करनी है, मुझे एग्रीकल्चर में रहना है, मुझे फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अगर आपके बच्चे कल फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलें, जो आप उगा रहे हो उसको प्रोसेस करें, उसको भी मैं खेती मानता हूँ। आज बेसिकली आइडिया ये है कि ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, ये दो लोगों को पकड़ा ये एक्चुअली सोच है कि भैया देखो जो भी करना है, फूड प्रोसेसिंग करना है, सुपरमार्केट है, जो भी है, ये दो लोगों को पकड़ा दे और ये मतलब इनको हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों को निचोड़ने दो, जो भी इनसे छीन सकते हैं छीन ले, जमीन छिनवा दो, इनकी प्रॉफिट छिनवा दो, सब कुछ। तो इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी बात फिर से दोहराऊंगा, इसको मैं पार्टनरशिप मानता हूँ
और मेरे दरवाजे, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।